रामायण की कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के मानव रूप छोड़ने के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा और रघुवंश का आखिरी राजा कौन था? आइए हम बताते हैं। भगवान राम के बाद उनके दो पुत्र लवकुश में से बड़े बेटे कुश राजा बने, जो दुर्जय राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान मारे गए। इसके बाद उनके बेटे अतिथि राजा बने, जो एक महान राजा साबित हुए। अतिथि की मृत्यु के बाद उनके बेटे निषद राजा बने और उनके बाद उनका बेटा नल। लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कोसला के शासक बने, जिस पर रघुवंश के ही पुंडारिक ने हमला कर दिया था। पुंडारिक के बाद उनके बड़े बेटे शेम धनवा भी एक महान योद्धा बने, जिसके बाद उनके बेटे देवानिक भी पिता की तरह एक महान योद्धा बने। वो देवदास की सेना के प्रमुख भी थे। देवानिक के बाद उनके बड़े बेटे अहिनागु ने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया। देवानिक के बाद उनके पुत्र परियात्रा और फिर परियात्रा के पुत्र शिल राजा बने, जो एक विनम्र राजा थे। और इसी तरह साल दर साल राजा बदलते गए और अग्रिवर्णा इस वंश के आखिरी राजा बने। लेकिन वो भोग विलासिता के आदि हो गए और कम उम्र में ही चल बसे। इसी के साथ रघुवंशी राजवंश भी समाप्त हो गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।